असम का पामोही के पास डाकिनी पहाड़ में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जिसको भीमेश्वर धाम भी कहा जाता है। भारत में प्राचीन पुराण और धर्मीय मान्यता के अनुसार 64 ज्योतिर्लिंग धाम है। उनके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग को महा ज्योतिर्लिंग स्वरूप मानकर आए हैं। ज्योतिर्लिंग अपने आप प्रकट होता है, यह स्वयंभू और अक्षय होता है, किसी ने आकार और गर्भ नहीं देता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग के सृष्टि के ऊपर अलग अलग पौराणिक कहानियां धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत में 3 राज्यों में देखने को मिलता है, असम, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तीनों का उत्पत्ति का कहानी एक जैसे है। अत्याचारी असुर को वध करके शांति स्थापन के लिए महादेव उसी स्थान पर विराजमान होना। लेकिन महाराष्ट्र का सह्याद्री पर्वत में 3,250 फीट उच्चता में भोरगिरी गांव में अवस्थित भीमाशंकर को 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर षष्ठ स्थान मिला है। लेकिन प्राचीन पुराण में षष्ठ स्थान में डाकिनी पहाड़ में अवस्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम उल्लेख है, जो असम में गुवाहाटी सिटी से 12 किलोमीटर दूरी पर डाकिनी पहाड़ पर अवस्थित है। ये श्लोक देखिए, श्लोक के तीसरे लाइन पर लिखा हुआ है डाकिन्या भीमशंकरम। इसलिए असम सरकार ने असम का पामोही के पास डाकिनी स्थान पर अवस्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को महा ज्योतिर्लिंग रूप से षष्ठ स्थान मिलना चाहिए करके दावी किया है। मैंने पहले कहा है ज्योतिर्लिंग स्वयंभू और अक्षय होता है। पामोही के पास डाकिनी पहाड़ में जो ज्योतिर्लिंग है वह एकदम प्राकृतिक रूप में है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है। शिवलिंग को प्राकृतिक रूप से बरसों से पंचधारा नदी ने शरण धुलाकर आया है। इसमें 5 धारा है, इसीलिए स्थानीय लोग पंचधारा नदी कहते हैं और शिव जी के जटा से निकलता हुआ पवित्र गंगा भी कहते हैं। इसलिए 2023 15 फरवरी में द सेंटिनल न्यूज़पेपर में असम सरकार की तरफ से शिवरात्रि से पहले वेलकम टू द साइट ऑफ इंडियन 6th ज्योतिर्लिंग कामरूप असम करके एक विज्ञापन दिया था। काफ़ी लोगों ने देखा होगा। यह स्थान पर शिवलिंग को दर्शन करने से मन में बहुत शांति मिलता है, क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग प्रकृति के साथ मिलित रूप में है। एक बार दर्शन करने के लिए आप लोग जरूर आइएगा। कथासागर बाय सुबह गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर इसके ऊपर डिटेल में जानकारी देकर एक वीडियो दिया हुआ है, दिल करने से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मेरा पेज को लाइक करके फॉलो कर दीजिएगा। आज के लिए विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।